मियां जावेद को हथकड़ी किसने लगाए? घुटने सुलझने लगी। मियां जावेद को कैंप जेल से मुंतकली के दौरान हथकड़ी नहीं लगी थी। लाहौर न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। एहलकारों को इब्तदाई तिबी इमदाद देते देखा जा सकता है। मियां जावेद की मौत हार्ट अटैक से हुई, जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। हथकड़ियां लगाने का मलबा हुकाम एक दूसरे पर डालने लगे। जेल मामलात में हमारा कोई अमल दखल नहीं, नैब हुकाम ने वाजह कर दिया। जेल हुकाम ने मलबा पुलिस मुलाजमीन पर डाल दिया। मियां जावेद की नमाज जनाजा अदा। पनागाह की तामीर से मुतालिक अहम फैसले, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मंसूबा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल करने की हदायत, वॉइस चेयरमैन एलडीए को जिम्मेदारी सौंप दी गई। पंजाब में नवाज लीग को एक और धचका, 15 अजला के चेयरमैन नून लीग का साथ छोड़ गए। बलदैती नुमाइंदों की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान भी मुलाकात में मौजूद। अपोजिशन ने ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर पर शोर मचाया, ऑर्डर जारी हो गया। शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी बना दिया। हर बात मानेंगे मगर एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दो टोक ऐलान, नैब का एक भी केस हमने नहीं बनाया। असेंबली में ड्रामा हो रहा है। जाली अकाउंट्स का केस 2015 में बना, किसी ने तहकीकात नहीं कराई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा एक साल में तमाम सिविल मुकदमात का फैसला करवाना है। पंजाब का आधा बजट लाहौर पर और मेट्रो पर लगा दिया। लाहौर तो बेहतर होगा मगर नए मसाइल पैदा हो गए। दूसरे शहरों से लोगों ने लाहौर का रुख किया। दरख्त काटने से शहर का ग्रीन कवर खत्म हो गया। बच्चों की बीमारियां फैलने का खदशा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सोरोजा तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उस्मान बज़दार की खूब तारीफ, बोले सादे से आदमी ने कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी टक्कर ली। वज़ीर आला के खिलाफ 100 रोज में एक भी शिकायत नहीं आई। इन पर करप्शन का इल्जाम लगा, मनी लॉन्ड्रिंग और ना बाहर कोई फ्लैट खरीदा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार ने अपने इकदाम एक एक करके गिनवाए। 171 अरब रुपए से जायद मालियत के सरकारी अराजी वागजार करवा ली। शेल्टर्स होम का दायरा 36 अजला तक फैलाने का ऐलान। 5 लाख तक बिलासूद कर्जों का इजरा और 4 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज की तामीर का काम जारी। डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ की 9000 पोस्टों पर भर्तियां मुकम्मल कर चुके। वज़ीर-ए-आला ने कहा पहले 100 रोज में 1.25 करोड़ पौधे लगाए गए। चीफ मिनिस्टर शिकायत सेल में 50,000 शिकायत का अजाला किया। फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, सूबे में 14,000 नई सड़कों की तामीर का आगाज कर दिया। सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जवाब बख्त मुखालफीन पर खूब गर्जे बरसे, कहा साबिका हुकूमत अफसरान का 102 अरब रुपए का प्रोविडेंट फंड भी खा गई। साबिक हुकूमत ने सिर्फ इश्तहारात में सब बाख दिखाए। पंजाब हुकूमत 1,140 अरब रुपए की मकरूज है। 100 रोज में नए पाकिस्तान की बुनियाद रखती, अगले माह 5 साल प्रोग्राम की हिकमत अमली पेश करेंगे। पंजाब में ग्रोथ रेट 7% तक ले जाने का अज़्म, ऐवान इकबाल में मुनाकिदा तकरीब में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरीज और पुलिस अफसरान समेत आला सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एप्टमा हाउस में आमद। एप्टमा रहनुमा गोहर एजाज, आमिर फयाज, अकबर शेख और अली एहसान के साथ अजलास। साबिक चेयरमैन पीसीबी जका अशरफ और साबिक मुशीर खजाना सलमान शाह भी मौजूद। एप्टमा रहनुमाओं की वज़ीर-ए-आज़म से गैस की कीमत निस्त करने और 450 अरब का इम्पोर्ट टैक्स रिफंड करने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म की ताजर बिरादरी के मसाइल हल करने की यकीन दहानी, बोले दूसरे ममालिक से गैर मशरूत इमदाद मिली, ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ कि पैसे के एवज फौज इस्तेमाल करने दें।
ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین کا وزیراعظم کی رہائش گاہ کے باہر دن بھر احتجاج، حکومت کے خلاف نعرے بازی، خواتین اور بچے بھی شریک۔ دن بھر کی آہو بکا کے بعد متاثرین کی سنی گئی، مظاہرین سے نئے ملحق کے مذاکرات، مسائل حل کرنے کے یقین دہانی۔ وزیراعظم عمران خان نے 5 رکنی وفد کو اسلام آباد بلا لیا، مظاہرین اپنا بوریا بستر لپیٹ کر گھروں کو روانہ۔ نئے پاکستان میں بھی پروٹوکول سے جان نہ چھوٹی، وزیراعظم کی لاہور آمد، سڑکیں شہریوں کے لیے تنگ پڑ گئیں، سارا دن شہری سڑکوں پر خوار ہوتے رہے، رہی صحیح کسر زمان پاک کے باہر ایڈن ہاؤسنگ کے متاثرین نے پوری کر دی۔ کینال روڈ مکمل طور پر جام رہی، مال روڈ، فیروزپور روڈ، ملتان روڈ اور اطراف کے سڑکوں پر پہیا جام رہا، موٹر سائیکل سوار فٹ پاتھ سے راستے نکالتے رہے، ایمبولینسز پھنسی رہی، شہریوں کی دہائی۔